गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं पुश और पुल क्या होता है। तो पुश का मतलब क्या होता है बेटा? धकेलना। और पुल का मतलब होता है खींचना। हिंदी के अंदर ये पुश और पुल एक्शन हम करते क्यों हैं? पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। जो पुश या फिर हम पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इट कैन बी मूव एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, उसकी हेल्प से वो ऑब्जेक्ट या फिर वो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है बेटा? मूव होता है। ठीक है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज इट्स डायरेक्शन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं तो हम उस बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इट कैन इवन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है, जब हमारे पुश या पुल से कई बार कोई चीज़ जो सॉफ्ट होती है उसकी शेप के अंदर भी क्या आ जाते हैं बेटा? चेंजेस आ जाते हैं। वी कैन नॉट सी फोर्स। हम बेटा फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट। बट हम उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। सी इट्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर पेपर पर, वो देख सकते हैं। फोर्स के जो एक्शंस हैं वो कैसे होते हैं? लाइक किकिंग अ फुटबॉल। आपने एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है। आपने जैसे एक फुटबॉल को किक किया तो आपने उसको पुश एक्शन परफॉर्म किया उसके ऊपर, ठीक है। तो उससे वो क्या होगा, वो फुटबॉल उस जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, ठीक है। रोइंग अ बोट एंड शार्पिंग अ पेंसिल। आप क्या कर रहे हो, एक बोट चला रहे हो। तो आप जैसे उस बोट के को पुश करते हो बेटा, पानी को पे फोर्स जाएगा, पानी को वो पीछे पुश करेगा और बोट क्या होगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। उसके बाद आता है शार्पिंग अ पेंसिल। जैसे ही आप उस किसी भी पेंसिल को शार्प करते हो तो उससे क्या होता है बेटा, उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती है, वो उसका जो शेप है वो छोटा होता है, ठीक है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्शंस डिफर। हर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स होती है बेटा वो अलग अलग क्या होती है बेटा, उसकी जो फोर्स की जो क्वांटिटी है वो हर एक एक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या था बेटा, पुश एंड पुल के बारे में था कि जो पुश और पुल किस तरीके से आपके वर्क करते हैं। जैसे कि पुल करते हो, आप क्या करो, एक डोर को ओपन करो, तो क्या करते हो आप, उस डोर को अपनी तरफ पुल करते हो, खींचते हो, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो डोर्स होते हैं बेटा उनके ऊपर लिखा होता है पुश और पुल, यानी कि अगर जो डोर बाहर की तरफ खुलती है उन पर होता है पुल, और जो डोर अंदर की तरफ ओपन होती है उन पर लिखा होता है पुश, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, पुश एंड पुल को समझ सकते हो। कल हम कुछ ही ऐसे ही एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।